तो जी आज के दिन ना हम सबकी तैयारी हो गई भाई भागवत में जाने की। तो दरअसल ना आजकल माँ भोला देवी के मंदिर में श्रीमद देवी भागवत कथा चल रही है भाई। तो ये कल ही से शुरू हुआ था और ये चलेगा 16 तारीख तक, जो कि भंडारे के साथ इसका समापन होगा भाई। यस पहाड़ी, हाँ यस पहाड़ी, अपुर पहाड़ी, हाँ अपुर पहाड़ तक लगाए थे क्या भाई? तक लगाए मेरे पहाड़ी चल परदेसी दे थे घुमो लो कनो रंगी लो मेरे पहाड़ी तु थे दिखो लो। कल खुशी हो तब पहाड़ छोड़ी का बड़े नहीं लगे बहुत बुर लगे मेरा दिन मन कर तुम यही रहो 15-20 साल रोने का आज आई हूँ कई दिन कथी खून छाई अखर गीत लगता छाई शुक्रो डरधार इन्हें पाली टोली मेरा प्रखंड बहुत लोग आना छा। सभी लोगों को कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी हम सब भी बढ़िया है। तो देखो जाने लग गए भाई हम सब माँ भोला देवी के मंदिर में और अभी शाम के जो है 4 बज रहे हैं भाई। तो वैसे जो भागवत कथा है ना वो दिन के 2 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन धूप बहुत तेज है ना इसलिए जो है हम थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना होता है भाई बच्चों के साथ में। नमस्कार। नमस्कार का बढ़िया छो? अरे मैं तो नहीं लगा जानो छी सच जन घर में लगन दियो लगनी घर में नहीं लगन का गोडारो बोलत लियो का गोर गाड़ी आज देर हो गई देर में गड़न ने। अच्छा तो ये बड़े को सुनी के ये अभी आना छो? ना ना सुनी को और अच्छा फिर का घर आ पग घर में भी जरूर समय है। तो चलिए भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने तक और अभी देखो भागवत कथा जो है चल रही है भाई। तो चलिए फिलहाल हम भी चल रहे हैं वहाँ पे, दिखाते हैं भाई किस तरह से जो है भागवत कथा हो रही है और आज जो है बहुत सारे लोग हमें वहाँ मिलने वाले हैं। तेरे दोस्त नहीं यार, क्या लग रहा है? चलिए तो चलते हैं भाई। दुर्गे मैया की, पितृ देवताओं की और समस्त भक्त जनों की, तो ये यहाँ यज्ञ जो संगीतमय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस और दूसरे दिवस में आप सभी भक्तजन द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये महायज्ञ जो हो रहा है ये सभी क्षेत्रवासियों के भक्तजनों के सहयोग से किया जा रहा है। कोई धन का सहयोग, कोई कर्म का सहयोग, तो कुछ ना कुछ सेवा यहाँ पे सभी भक्तजनों के द्वारा दी जा रही है। तो आप सभी भक्तजनों के सहयोग से सेवा से यह पुण्य कार्य यह महायज्ञ चल रहा है। एक बार कर्कश ध्वनि से सभी के लिए जोरदार तालियां। छोटे जानो यो परण लगता
किस कारण कटी? हय ग्रीव भगवान बने तो उनकी पहले गर्दन कटी थी, किस कारण से कटी है? तो शास्त्र लिखते हैं कि एक बार मां लक्ष्मी और भगवान नारायण आपस में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। पति पत्नी जन छुई लगाना छी लगा में से प्यारी प्यारी बात, पर किसी बात में भगवान नारायण को हंसी आ गया। कुछ माता ने ऐसा बोल दिया कि भगवान नारायण को हंसी आ गई और मां लक्ष्मी ने उसमें सोच विचार नहीं किया और मां लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। तो मां लक्ष्मी ने मन ही मन नारायण को श्राप दे दिया कि ये मेरी बातों से हंस रहे हैं तो इनकी गर्दन ही कट जाए तो अच्छा रहेगा। बोला उन्होंने ऐसा नहीं था कि ये हो ही नुकसान हो जाए, पर कहते कि बिना सोच समझ कर और क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो बिना विचार किए हुए मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि इनकी गर्दन धड़ से अलग हो जाए। संत लिखते हैं कि स्त्री स्वभाव के कारण माता बहने कभी कभी अपने कारण ही दुख में फंस जाती है। कभी माता बहने ऐसे काम कर लेती है कि बाद में खुद दुख ही भोगना पड़ता है। जैसे यहां मां लक्ष्मी अपने कारण ही दुख में फंस गई। कभी उन्हें लिखा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अभिवेक परमाम पदाम पदम विरुद्धे ही विमृश्य कारिणाम गुण रुद्धा स्वयमेव संपदा। बिना विचार किए हुए कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बाबा जी कहते कि राम जी की प्रतिज्ञा है कि जिसका मन निर्मल पवित्र होता है, जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मासर छल कपट द्वेष नहीं होता, उसको ही भगवान मिलते हैं। और जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ बसा हुआ है वह भगवान नहीं आते। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। ये भगवती तो देणी वही जय, ये माता तो देणी वही जय, ये भगवती तो देणी वही जय, ये माता तो देणी वही जय, भगवती तो देणी हुई जय, माता तो देवी हुई जई, ये भगवती तो देवी हुई जई, ये माता तो देवी हुई जई, भगवती तो देवी हुई जई, ये माता तो देवी हुई जई, जो जस सुफल दे रही, जो जस सुफल देती रही, ये भगवती
मैया तेरी आरती, मन में बसा कर
सुनेल कथा तब कन लगो बढ़िया का बढ़िया छु बढ़िया कथा हां बढ़िया छु मिलवा में हम भूपाटी के छौ तक हमर ब्याह हो हां भूपाटी के ब्याह हां आपका बड़ी यहां का की बोना का की बोना का ध्यान छ लगो तब बढ़िया मंदिर भागवत हो ना बढ़िया लगे सनी भागवत हो ना भागवत है तो बोर जी परार एक अब ये देवी भागवत बिल्कुल हां तो बढ़िया मैं तो पहली बार ये भागवत हम सामने से लेकिन दिन बन गया सच में बिल्कुल तो बहुत कदा लोग हैं अच्छी बोन बोन में आ रही बहुत लोग आ रहे हैं अच्छा लड़की भी आ रही आ रही बहुत लोग आ रहे हैं बिल्कुल हां मां चरणों में आ रहे हैं हाँ जी तेल चाई नमस्कार नमस्कार बोलो नमस्कार प्रसाद दगड़ दगड़ चाई दगड़ दगड़ देखो प्रसाद मिलो हम तो अच्छा है हाँ। बड़ी मुश्किल से था हम तो बंडे दिन हम ये नसीब हो रहा है प्रसाद कब बढ़िया सब हम ये कह के छो अच्छा लेकिन ये बताओ विकास नगर डाक पत्र आप बोलो जो बंडे दिन हम नसीब हो रहे तो आनंद से हर बार ना बंडे दिन हम मला कमा लो किले नहीं मिलता है हमारा पंडित जी जरा परेशान छे ना अच्छा ये वजह से नहीं आ सकता बिल्कुल आप बहुने के छो मतलब हां बहुने के छो लड़का में यार बार बार आनो रे हां बचाना रे नहीं मेरा चलो लेकिन मैं क्या कह देना मां तो सब यहां से ना ये बात है सिर्फ मेरी लड़की यहीं से और गांव का ये पूरा गांव का यहां से अच्छा सब नौनी आई छे ना और मतलब करीब पूरा गांव आयो छे ई बार मतलब कह दन जन रौनक दिखनो बहुनो में आज आज रौनक आयो बिल्कुल आज मतलब आज से मतलब 15-20 साल रौनक आज आयो कह दन कथी खून छाई अख गीत लगदा छाई सुकरो डरधार इन्हें पाली टोली मेरा प्रखंड बहुत लोग आना था बहुत बढ़िया लगो चा बाबू नमस्ते ठीक आज आएगी फिर ठीक माता का आशीर्वाद ये भी ठीक बढ़िया बढ़िया बच्चा ठीक ये घर बोलिए अपनी दी आज गाली क्या दी बोल और सब बढ़िया हाँ आप क्या बोले लो तो मिल तो क्यों बना बोलो ये बढ़िया रौनक हुई मुझे बोल दो बढ़िया हो रहा है आज मां भगवत ने मतलब कितना आनंद कर रहा है ये मां देण वाली सब मनोकामना कराऊं आए बोलावी बोली सुंदर मनोकामना करे भगवान मां भगवती बहुत अच्छा आनंद हुई चलो चलो जरा आगे कर दो बात है मुख दे वाले मंदिर भीतर शेर सवार मूरत ला जावाब ऐ गेरी तो बसंत माता फूल खिलण लगे शेर मुलक मा तेरा नाम का गीत लगण लगे बोन गवा की सिरसा चौमुखो देवाल माता बाड़ू तेरो नाम दिने गे बैसा गे माता चादुरी गे कोई गिने नगर निशाने कोई छतर लगे बैसा गी बटी तीन गति तक कथिग देख ले भवानी तेरा भगतों ले दे बाले बुआरियों बोन गवा की सिरसा देवी ऊंच तेरो धाम चौमुख को दे बाले माता पाड़ तेरो नाम चलो जी धन्यवाद तुम्हारे जाने बारे में सारा दुनिया जाने में तो आपका नहीं जाने हाँ तो अब देखो पहाड़ों में तभी हाँ यस तुम्हारे यस पहाड़ी करी यस पहाड़ी यस पहाड़ी हाँ यस पहाड़ी अपुर पहाड़ी हाँ अपुर पहाड़ तक लगाए थे क्या भाई तक लगाए थे जब बोलो पहाड़ सारे बने हो जेक मतलब कोई देसी दगड़ मतलब ना हाँ। पहाड़ पर मतलब ना हाँ। मेरो पहाड़ चल पर देसी ते थे दिखो लो कनो रंगे लो मेरो पहाड़ तु थे घुमो लो उदेश रे ना तू बारे पता क्या बोलो उबाद व्हाट इज दिस पहाड़ व्हाट तू बारे व्हाट व्हाट दिस बीस सब्या
श्री जय लो। एक बार मेरो पहाड़े जब घूमी के लो लम्बू मतलब खूब अच्छा बड़े मेरो पहाड़े चल परदेसी तुए थे घुमो लो कनु रंगी लो मेरो पहाड़े तुए थे दिखो लो। फिर बाद वट पहाड़ मतलब त्यार पहाड़ बल पैन कख च तो बाद मेरे पहाड़े चल परदेसी दे थे घुमो लो कनु रंगी लो मेरो पहाड़े तुए थे दिखो लो। तो बाद दिस इज मतलब बिस्लरी वो बोतल बिस्लरी ना तो बाद बिस्लरी डिस्लरी सब्या बिस्री जेलो मेरो पहाड़ को छोयो को पानी जब पे देलू बहुत लंबू च भूलू कभी बनो चलो दीदी धन्यवाद आप पर साथ गोड बंदा कर जाने देर होने अच्छा अच्छा चलो तो धन्यवाद हां जवान जवान से सर तेज तेज दौड़ना तो दाना नहीं लगन दी तेज चलना ना ये नहीं लगन दी भवन बैठी दर्शन करना बिल्कुल बाजार माँ का दर्शन कर ना दिल्ली रहंदी दिल्ली बटिया छ हां दिल्ली बटिया यहां छ आप तो बड़े लगन वाला जगह अच्छो लगन आ चल जाना दिल्ली तब जान छ मैं कह दो कह दो टाइम पर हां बाय में जान मैं तो आ छ लगन हां आ छ लगन पर घर में लगत बढ़िया बिल्कुल गोर बछरा भैंसा गोर बछरा छ हां भैंसा तेरी जब दिल्ली जाऊं तो दगड़ मिली ना या बुआर रखो तो ये बुआर अच्छा हां ये बुआर घर है मैं दिल्ली घूमना कर चल जा हेलो बोली कब बढ़ा रही मुरादाबाद से मुरादाबाद से गड़ो लांच नहीं समझ में आती है ना हाँ। कम लगने से घर तब अच्छा कोस दगड़ो में या घर नानी और मामा तो चले गए हैं और पापा भी चले गए मम्मी हजी के लामा जो होगी अच्छा तो यहाँ मामू आज भवन में हाँ गाँव का कुछ डुंगरी डुंगरी है ओ दुमकोटा पल तरफ तो मामू गा बड़े लगनो या फिर यही यही है सीधा जो खिरंदी हां मुरादाबाद ही रहने बिल्कुल को छोड़ेल मतलब है हां छोड़ क्या आंदन जम गारो कल खुशी हुन तब पहाड़ छोड़ी का बड़े नहीं लगन बहुत बुर लगे हां बहुत बुर लगे तीन मन कर मैं खीरो पके के कर मैं सोरा से खंदवारी अच्छा और वक्त सिर्फ 12-13 लोग छे बस मौसा अच्छा रात आप खंदवारी मतलब सोरास हां आयु मेर मैच बिल्कुल एक तरह मतलब मैं कमेंट दई सके बल खंदवारी दिखे मतलब तो खंदवारी साका का एक्चुअली में खंदवारी यो खालू डाण छे वो एक पल्ली तरफ छे मतलब रोड में छे रोड से भी फटी छे हां रोड छे घर तक गाड़ी भी जाने रोड के आसपास मतलब हां रोड पल छाल पर अच्छा अच्छा हां बिल्कुल पर बग लोग कम छी तो 6-7 मतलब 8 बजे सब से जंदी बिल्कुल इत का डर लगत वख तुम 7 बजे से जाए करो 8 बजे के घर दे तो लोग के सी मिनी सी नीच आ देते नीच हम तो 10-11 बजे तक फिर भी लड़की ता लेके को उमिया फिर बिल्कुल तो हम 10-11 दिन तक रह छ वख
पर बिल्कुल बिरान से अजीब से लगत वक बिल्कुल तो माँ पापा यहाँ आया छा एक माँ पापा भी देर दून रही मेरा आजकल लोग घर यहाँ छी तो मैं ऊँग दगड़ आ गई तो माँ भगवती का कृपा से की भागवत भी हूँ बिल्कुल ईदगाह अच्छा लगन की केवल दिन रात ही अमीर हो पड़ा बहुत अच्छा लगन चलो जी धन्यवाद पहला दिन जब कलश यात्रा से ना अब आदत तो छूट गया अब आज हम तक आर फिर कलश धरी में चलना कलश हम ज्यादा पानी पीने जाके ना ना मी मी ले चल कलश भैया आज ही से अब हम दया ले आई फिर मुंडम दार फिर अच्छा अब अगर ना तेरे से ये मेरी बेटी छे ये मेरी बेटी मी छु हां हां ना तेरे मतलब ये मेरी मां छे हां मेरी मां मी छु हां मां भगवती है या कुचल नजात कल भागवत कण मन होता आपके बहुत अच्छा लगन से हम लोग घर ही रहनो हां अच्छा आप घर ही रहनो हां घर ही रहनो मैं उन अब दिल्ली बटाया छु हां तो मतलब परसेंट कदा परिवार रहना छी या मैं कम से कम वाला 40 साल करीब लगू अच्छा हाँ 40 परिवार ए बात खाली हम उन गांव बहुत बड़ छो गांव कम से कम 400 मोसक बिल्कुल छो पर ये लगभग 300 परिवार चल गया कोते 300 परिवार है 300 लोग 300 परिवार बाहर चल गई हां बाहर छो कम से कम ये बात 40 परिवार वाले बस बिल्कुल तो जब मां भगवती पूजा पाठ ये भागवत तो सब लोग आ सब लोगों ने और डुडेर सवाण भवन भोपाटी पाली टंडोली सब गण का लोग है एक 14 ग्राम सभा मंदिर छो 14 ग्राम सभा का लोग एक मंदिर में सब आस्था थी और बैसाखी खड़ी एक मेला लगे दो गति और तीन गति बिल्कुल एक मेला लगे जिनकी हम लोग सब लोग छुट्टी लेकी घर नो और गाना बजाना भी चलो जी अब जाने लग गए हैं माँ भवना देवी के दर्शन करने के बाद और बाकी लोग तो जो है चले गए भाई तो सनसेट भी थोड़ी देर में होने वाला है फिलहाल अब इस वीडियो को रखते भाई यहीं तक कैसे लगी वीडियो वीडियो को शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चलो बाय।